हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल STS ऑलराउंडर में। आपको याद होगा मैंने वेव की पिछली भी कई शूट्स किए थे, जिसमें सेक्टर्स का प्लॉट्स का बताया था, सेक्टर 1 से 7 का, फिर एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स का बताया था। और अब मैं जो आपको लेके आया हूँ आपके लिए, वो खासकर उन लोगों के लिए है जो लगभग किराए के मकान में रहते हैं और चाहते हैं कि एटलीस्ट एक बार एक घर तो हो अपना, चाहे छोटा ही हो लेकिन अपना हो। ये उनके लिए खासकर है, एक चाहे मतलब एक बजट के अंदर जितने प्राइस उनको चाहिए ये बिल्कुल उसमें मैच करता है। प्राइस भी आपको थंबनेल में मिल ही गई है कितनी है, लेकिन वो क्या है, किस तरह के हैं, वो हम अंदर चल के देखते हैं। अंकुर जी हमारे साथ ही हैं क्योंकि वेव तो उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है, हर जगह वही लेके घूमते रहते हैं हमें। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। अब हम अंदर चलते हैं सोसाइटी में अंकुर जी के साथ। चलो अंकुर जी, लेके चलो हमें। बिल्कुल, चलो चलो, पहले सोसाइटी दिखाओ। यहाँ पर चेकिंग है पूरी, ये सिक्योरिटी देखते हैं तभी एंट्री मिलेगी आपको। फ्री तो ये अंकुर जी शॉप्स? हाँ, ये सोसाइटी है, 100 मनोरथ के नाम से ये शॉप्स है। करीब 14 से 15 दुकानें हैं। अच्छा, डेली बेसिस नीड्स के लिए जो है इस सोसाइटी में हमने शॉप्स दी हैं कि उनको सोसाइटी के बाहर ना जाना पड़े। अच्छा, आप लेफ्ट हैंड साइड भी देख सकते हैं, पूरा हमने ग्रीन एरिया भी दिया हुआ है। अच्छा, ये पार्क आप डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर? बेसिकली प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, उनकी गाइडलाइन के अंतर्गत हमने ये 2 टावर बनाए हैं। ठीक, ये वाले? हाँ, ये 2 टावर हैं और इसमें केवल 3 साइज हैं। हाँ, जो अपने बजट में चीज़ें नहीं प्रेफर कर पाते हैं कि भाई 1 BHK या 2 BHK या 2+ study, हाँ, तो उसको जो है नॉर्म्स में रखते हुए हमने 3 साइज बनाए हैं। हाँ हाँ, कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनके बजट में हम फुलफिल कर सकें। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें हम 2 BHK, 1 BHK और 2+ study का भी ऑप्शन दिया है। 2+ study का भी? हाँ, आपने ऑप्शन दिया। अफोर्डेबल सेगमेंट, अफोर्डेबल सेगमेंट में। हाँ, अभी सबसे पहले हम 1 BHK विजिट करेंगे। ये एंट्री है। ये लिफ्ट हर फ्लोर पे ऐसे ही है? जी, एक लिफ्ट है हर फ्लोर पे। ओके, अरे यहाँ तो एक और लिफ्ट है अंकुर जी, मुझे लगा आप। नहीं नहीं नहीं, बेसिकली ये टावर में, एक हर टावर में 2 लिफ्ट है। अच्छा, 2 लिफ्ट। हाँ, है, सर्विस लिफ्ट रहेगी। हाँ हाँ, और एक आपका जो है वो कॉमन लिफ्ट रहेगी। ओके, ये क्या है? ये आपका जो है 1 BHK, ये 1 BHK है ये वाला। तो ये अभी थोड़ा सा जो है इसको हमने ऐसे ही ओपन कर रखा है। अच्छा, हाँ, बेडरूम हम दूसरा जाएंगे विजिट करने 1 BHK। दोस्तों हम सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं 1 BHK देखने पहले, क्योंकि इसके बाद मैं आपको 2 BHK भी लेके जाऊंगा। ये देखिए, ये 1 BHK है। अंकुर जी, इसका साइज कितना है? 434 स्क्वायर फीट पूरे फ्लैट का। हाँ, 1 BHK, अफोर्डेबल सेगमेंट। और ये रूम कितना बड़ा है? ये रूम आप अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 11x10 के आसपास आपका आएगा। 11x10 सफिशिएंट है। हाँ, वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखी है, आप देख सकते हैं। ओपन किचन के साथ जो है आपका ओपन हॉल है। ठीक है, इसे तो कर्टन से सेपरेट भी किया जा सकता है। हाँ, सेपरेट भी कर सकते हैं। प्लस ये आपने वॉशरूम दिया हुआ है अटैच, प्लस किचन के साथ भी आपकी हमने एक बालकनी दी हुई है, देख सकते हैं, और विंडो भी। Okay. हर फ्लैट में आपको गैस पाइपलाइन जो है इंस्टॉल होके ही मिलेगी, IGL की। जी, ओके। ये और इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस स्टार्टिंग जो है वो 12 लाख रुपीज़ है। इसकी स्टार्टिंग 12 लाख से है। हाँ, ओके, ये है 1 BHK। ये है 1 BHK 434। ओके अंकुर जी, इसके पोजीशन का क्या स्टेटस है? पोजीशन हमने स्टार्ट कर दिया है, पोजीशन ऑफर कर दिया है हमने। अच्छा, ऑलरेडी ऑफर कर चुके हैं। और लोन वगैरह कहाँ से हो रहा है इनका? लोन आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं, OCCC जो है वो आपके आ चुके हैं, तो उसमें आप जो है किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको प्राइवेट बैंक से या गवर्नमेंट बैंक से ही लोन लेना है। ओके,
तो चलिए अंकुर जी, अब वहाँ चलते हैं 2 BHK के लिए। हाँ, 2 BHK भी दिखा दिया। अभी अंकुर जी हम किधर जा रहे हैं? अभी हम जाएंगे आपका सेकंड टावर में, 2 BHK। सेकंड टावर में जिसमें 2 BHK है। जिसके 2 BHK। चलिए अंकुर जी, तो दोस्तों हम इस टावर में तो थे जिसमें सारे 1 BHK हैं, अब हम जा रहे हैं दूसरे टावर में, ये 2 BHK वाले हैं इसमें। चलिए देखते हैं। गैलरी तो बड़ी अच्छी बना रखी है अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं 2 BHK वाले टावर में, सेकंड फ्लोर पर, और अंकुर जी के साथ अब इसमें जा रहा हूँ। सो, क्या साइज है अंकुर जी इसका? 678 स्क्वायर फीट, 2 BHK प्रॉपर। ये आपका पूरा आंगन या लिविंग डाइनिंग बोल सकते हैं, किचन का स्पेस विद बालकनी। जैसे कि मैंने बताया था कि आईजे कनेक्शन आपको हर जगह मिला लगे हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके लिए ये वॉशरूम दिया हुआ है, ओके। ये बेडरूम ये है आपका, अच्छा ये आपका बेडरूम है, और ये बालकनी दी हुई है, सॉरी विंडो दी हुई है, जिससे आपका रूम में या फ्लैट में प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन रहे, स्लाइडिंग डोर के साथ। ओके ओके ओके, ये तो अच्छा है, ठीक है। ये कितने बाय कितने का होगा? ये भी 10 फीट 10 बाय 10 के आसपास का बेडरूम है। एंड सेकेंड बेडरूम जिसके साथ आपकी अटैच हम बालकनी दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ आप बालकनी दे रहे हैं? हाँ, इसके साथ आप बालकनी दे रहे हैं। ओके दोस्तों, वो रहे 1 BHK का टावर, और ये हम खड़े हैं 2 BHK वाले में, ठीक है। और ये किचन वाला एरिया था जो आईजी अलाव। अच्छा, इसके साथ भी तो थी बालकनी? जी, मैंने बताया कि इसमें 2 बालकनी। अच्छा, ये अच्छा स्पेस है, सही है। 2 BHK अफोर्डेबल सेगमेंट के हिसाब से अफोर्डेबल अच्छा है, बहुत अच्छा साइज बनाया हुआ है, 678 स्क्वायर फीट का। ओके, तो प्रोसीजर तो लोन वोन तो सब सेम ही है, वो तो उसके तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ इसमें फिर इसका प्राइस कितना है? इसके प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली करीब 18 से 22 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा, टेंटेटिव एज पर फ्लोर। एसओ फ्लो, हाँ, क्योंकि हमारा रेडी टू मूव इन है, सोल्ड आउट है, कुछ यूनिट्स अवेलेबल है जिसको हमने ओपन कर रखा है मार्केट में, तो जिसको चाहिए होगा एज पर जो भी फ्लोर पे इन्वेंटरी होगी उसके हिसाब से ही रेट जो है। ओके, मतलब जो इन्वेंटरी अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग कौन से फ्लोर पे है वो डिपेंड उस पर। 18 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एज पर फ्लोर हम जो भी कस्टमर्स आएंगे आपके थ्रू आपके चैनल के थ्रू, उनको प्रॉपर कॉस्ट शीट के थ्रू बता देंगे कि इस फ्लोर पे ये इन्वेंटरी है और ये कॉस्टिंग है। तो इसी वे में देंगे आप फ्लैट जो दिख रहा है, या इसमें कुछ और चीजें ऐड करने वाले हैं आप? नहीं, कोई चीज ऐड नहीं होगी, बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, प्रॉपर फिनिश फ्लैट है ये, फिनिश करके ही हम आपको देंगे। अच्छा, फिनिश कर, रेडी टू मूव है, तो मतलब पोजेशन तो इसका भी जा ही चुका होगा, ठीक है। तो अंकुर जी, ये वैसे तो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट ही आपका, तो डॉक्यूमेंटेशन वाला तो कोई इशू आएगा नहीं इसमें दूर दूर तक। तो कितनी फैमिली शिफ्ट हो गई है वैसे अब तक, कुछ है आइडिया? कुछ शिफ्ट हुई है इसमें या उसमें किसी में फैमिली? नहीं, अभी पोजीशन हमने ऑफर किया। अच्छा, ऑफर किया है? बिल्कुल ऑफर किया है, तो जो कस्टमर की लास्ट की जो पेमेंट पेंडिंग होती है, हाँ हाँ हाँ, वो पेमेंट पेंडिंग करेंगे। रजिस्ट्री में आपका कम से कम 15-20 दिन का हम टाइम लेते हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कम से कम 250-300 फ्लैट यहाँ होंगे। डे बाय डे हम पर डे जो है 3 से 4 रजिस्ट्री कर पाते हैं, जैसे जैसे स्लॉट होगा बुक होता जाएगा, रजिस्ट्री होती जाएगी, वो अपना शिफ्ट होती है। ठीक है ठीक है ठीक है अंकुर जी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, मैं इसको पब्लिक के बीच में ले जाता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं, खासकर वो लोग जो किराए से उठ के आना चाहते हैं अपने छत पे। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट भी है, और ओपन ग्रीन आप देख ही चुकी है, और ये नया है, जो जिनका बजट कम होता है
लेकिन हमको 2 BHK साइज चाहिए होता है या 1 BHK चाहिए होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट वो यहाँ पे आ सकते हैं और चीजों को मैं विजिट कराऊंगा, अपने आप ऑटो मोड में उनको समझ में आएगा कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है गुरु जी, थैंक यू वेरी मच।